गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम EVS का लेसन नंबर 3 रीड कर रहे थे, फैमिली सपोर्ट्स अस, कि फैमिली हमें कैसे सपोर्ट करती है। जब हम बच्चे होते हैं तब हम हेल्पलेस होते हैं, तो हम हमारी हेल्प करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखती है, हमें कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, कब नहाना है, तो हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनका देखभाल करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे फैमिली के साथ लिंक होते चले जाते हैं, सही मेम्बर के साथ। वो हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, उनको जो नए बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं, नए पैदा हुए बच्चे, नवजात जिसको बोलते हैं। हम फैमिली से नई अलग अलग आदतें भी सीखते हैं हर तरह की। हमने ये सब पढ़ा था अभी तक कि जब हम बीमार होते हैं या जब हमारा मन ख़राब होता है, उदास होता है, तो हमारे दादी दादा हमें स्टोरी सुनाते हैं, हमारी मोरल वैल्यू को बूस्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 17 डेट डाल लीजिए 20 मई 2020। कैसे स्टार्ट? अवर पेरेंट्स बिकम सैड व्हेन वी फॉल इल। इल इल मतलब बीमार, सैड मतलब उदास। हमारे पेरेंट्स उदास हो जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, हो जाते हैं ना हमारे पेरेंट्स भी उदास, क्या मेरा बच्चा बीमार हो गया, अब कैसे सही होगा, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं भाग भाग के, फिर दिन रात हमारी सेवा करते हैं, है ना। दे टेक अस टू द डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल हेल्प। वो हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं प्रॉपर, सही तरीके से मेडिकल हेल्प के लिए, सही तरह से दवाइयाँ हमारी हो सके इसलिए, ठीक है। देखो जब ये बच्चा बीमार हो गया तो उसकी मम्मी लेकर गई ना इसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। ऐसे जब आप लोग बीमार होते हैं तो आपकी मम्मी लेके जाती है ना आपको डॉक्टर के पास चेक करने के लिए, तभी तो वो दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हो। आगे, वी एंड आवर एल्डर्स, हम और हमारे एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े, ठीक है, एल्डर्स मतलब बड़े। आवर एल्डर्स लव अस अ लॉट, हमारे बड़े हमें बहुत प्यार करते हैं। अस मतलब होता है हमें। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप देम हैप्पी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें भी हैप्पी खुश रखें, हैप्पी मतलब खुश रखें। वी शुड रेस्पेक्ट, अंडरलाइन दिस वर्ड, रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली, हमें हमारे परिवार के बड़े लोगों की रेस्पेक्ट, आदर करना चाहिए, परिवार के ही बड़े लोग नहीं सबका ही आदर करना चाहिए। वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज़ रॉन्ग फॉर अस एंड आवर फैमिली, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए गलत हो। एनीथिंग मतलब कोई भी, रॉन्ग मतलब गलत, कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारी फैमिली के लिए गलत हो या हमारे लिए गलत हो। आगे, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स बाय डूइंग सिंपल हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड मतलब घर के काम, हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए घर के छोटे मोटे काम करने में, ठीक है, तभी तो हम उनको रेस्ट दे पाएंगे, उनको खुश रख पाएंगे, ठीक है। ये लेसन सिर्फ इतना ही है, आया आप लोगों को समझ में कि हमारी फैमिली हमें कैसे सपोर्ट करती है? ध्यान से रीड करना है।